हाय एवरीवन, वेलकम टू रागिनीज स्पेशल किचन। आज हम बनाएंगे घर पर ही मार्केट स्टाइल नान खटाई, और यह नान खटाई इतनी स्वादिष्ट और खस्ता मुंह में घुल जाने वाली बनकर तैयार होगी कि इसे आप किसी भी फेस्टिवल पर हो या ऐसे भी बनाकर रख सकते हैं। तो चलिए नान खटाई बनाना शुरू करते हैं। पर खस्ता खुशखुशित नान खटाई शुरू करने से पहले मुझे आप सबसे एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले वीडियोस के नए नए नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलते रहे। लेट्स गो स्टार्ट। खस्ता और खुशखुशित नान खटाई बनाने के लिए हम यहाँ पर एक बाउल में रूम टेम्परेचर पर जमा हुआ आधा कप घी लेंगे। घी को नहीं हमें ज़्यादा जमा हुआ और नहीं ज़्यादा पिघला हुआ लेना है, बस इस टाइप का ही घी लेना है। अब घी में हम ऐड करेंगे 3/4 का शुगर पाउडर। अब यहाँ हम इन दोनों चीज़ों को हैंड विस्क की हेल्प से अच्छे से फेंटेंगे। इसे जैसे जैसे हम फेंटते जाएंगे तो इसका कलर चेंज होता जाएगा और यह क्रीमी और फ्लफी सा हो जाएगा। और एक बात यह है कि हम इसे जितना ज़्यादा फेंटेंगे हमारी नान खटाई उतनी खस्ता और खुशखुशित बनेगी। तो आप देख रहे होंगे कि इसका कलर पहले से ज़्यादा चेंज हो गया है और यह कितना फ्लफी और क्रीमी सा हो गया है। इसे हम फेंटते फेंटते हमें 5 से 7 मिनट हो गए हैं और यह कितना अच्छा और क्रीमी सा बनकर तैयार हुआ है। और इसका कलर आप देख सकते हैं, कलर भी एकदम पूरा वाइट हो गया है। बस इस टाइप से हमें इसे फेंटना है। आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पर सबसे पहले एक छोटा सा काम करेंगे, क्योंकि आज हम नान खटाई को कढ़ाई में बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर गैस पर कढ़ाई को रख दिया है लो मीडियम फ्लेम पर, और हमने उसमें यहाँ पर नमक डालकर उसे अच्छे से फैला दिया है। अब हम यहाँ पर लेंगे इस तरीके का एक स्टैंड। अगर आपके पास इस तरीके का स्टैंड ना हो तो आप यहाँ पर इसकी जगह एक कटोरी ले लीजिए और उसे उल्टा कर रख दीजिए। अब हम इसे 8 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। इस टाइप की हम एक छलनी लेंगे और उसे बाउल के ऊपर रख देंगे, और उसमें ऐड करेंगे हम 1 कप मैदा। अब नान खटाई में हम अच्छा कलर और टेक्सचर लाने के लिए इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच भरकर बेसन, और इसे क्रंची और क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच सूजी, और इसे फ्लफी बनाने के लिए हम यहाँ पर लेंगे 1/2 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, और यहाँ पर ऐड करेंगे हम 1 पिंच नमक। सारी चीज़ों को हम छन्नी से छान लेंगे। छानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह जो सारे इंग्रेडिएंट हैं वह अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। हमें यहाँ पर इसे बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स करना है, और इसे सिर्फ हमें बांधना है, इसे आटे की तरह हमें गूंथना नहीं है। अब हमने जो यहाँ पर माप लिया था वह हमारा माप एकदम परफेक्ट है, क्योंकि हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। हमें बस इसे इसका एक सेमी सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करना है। तो हमारा सेमी सॉफ्ट आटा बनकर तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पर एक प्लेट को सिल्वर फॉइल से कवर कर देंगे। उससे क्या होगा कि हमारी प्लेट नीचे से काली नहीं होगी, और जो हमारी नान खटाई बनेगी वह नीचे से चिपकेगी भी नहीं, क्योंकि हम इसे घी से ग्रीस कर देंगे। हमने जो नान खटाई के लिए डो बनाकर तैयार किया है उसमें से हम एक छोटा सा पोर्शन लेंगे और हाथों पर गोल गोल करते हुए उसे थोड़ा सा प्रेस कर देंगे, और फिर उसे पिस्ता और बादाम से गार्निश कर देंगे। इसी तरीके से हम सारी नान खटाई को एक जैसा बनाने के लिए हम इस साइज की चम्मच से थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेते जाएंगे और नान खटाई को बनाकर तैयार करेंगे। और हम यहाँ पर नान खटाई को थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखेंगे, क्योंकि जब हम इसे बेक करेंगे तो यह थोड़ी थोड़ी फूलेगी और इसका साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा होगा, इसलिए हमें इसे थोड़ी दूरी पर ही रखना है। इस तरीके से हम सारी नान खटाई को बनाकर तैयार कर लेंगे। हमने जो कढ़ाई को पहले प्री हीट होने के लिए रखा था, अब हम उसे चेक कर लेंगे कि वह अच्छे से गर्म हुई है या नहीं। तो कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गई है, और जो नान खटाई की प्लेट हमने बनाकर तैयार की है वह उसके अंदर हम रख देंगे और उसे हम अच्छे से कवर कर देंगे। कवर करने के बाद हम उसे 15 से 20 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर बेक होने के लिए छोड़ देंगे।
नानखटाई को हम यहाँ पर ओवन में भी बनाकर तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक प्लेट ली है और उसे घी से ग्रीस कर दिया है और उसी तरीके से हम छोटे छोटे पोर्शन लेते जाएंगे और नानखटाई को बनाकर तैयार कर देंगे और उसे भी हम उसी तरीके से बादाम और पिस्ता से सारी नानखटाई को गार्निश कर देंगे। यहाँ पर भी हम इसे थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही रखेंगे। तो हमारी यहाँ पर ओवन के लिए भी नानखटाई बनाकर हमने तैयार कर ली है। तो कन्वेंशन मोड पर 180 डिग्री पर इसे 10 मिनट के लिए हम प्री हीट होने के लिए छोड़ देंगे और प्लेट को हम ओवन में रख देंगे और इसे 170 डिग्री पर हम लगभग 15 मिनट के लिए नानखटाई को बेक करेंगे। अब हम कढ़ाई वाली नानखटाई को भी चेक कर लेंगे। तो 20 मिनट हो गए हैं, हमारी नानखटाई यहाँ पर भी कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। देखिए ठंडी होने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी कढ़ाई वाली नानखटाई भी कितनी अच्छी और परफेक्ट बनकर तैयार हुई है और क्रैक्स भी कितने अच्छे इसमें आए हैं। वाओ सुपर। यहाँ 15 मिनट हो गए हैं, माइक्रोवेव वाली नानखटाई भी हमारी बनकर तैयार हो गई है। देखिए कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है, इसे हम बाहर निकाल लेंगे। वाओ देखिए क्रैक्स भी कितने अच्छे आए हैं, सुपर। यहाँ पर हम सारी नानखटाई को एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। वाओ हमारी नानखटाई कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है, एकदम बेकरी स्टाइल। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और देखिए आप देख सकते हैं इसमें कलर भी कितना परफेक्ट आया है, सुपर क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।